गोरखनाथ मंदिर से उतारे गए लाउडस्पीकर सीएम योगी ने जनहित में स्कूल को सौंपा। महाराजगंज में जामुन के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, गांव में मचा हड़कंप। संत कबीर नगर में दुल्हन रात भर करती रही इंतजार, दूल्हा पहुंचा न बराती। गोरखपुर में 12 से 17 जून तक दस्तक देगा मानसून, समय से होगी बारिश। गोरखपुर में सरदारों के लिए खड़ी हुई नई परेशानी, पग बांधने पर नहीं पहन पा रहे हेलमेट, कट रहा चालान। गोरखपुर में धुरिया पार में बनेगी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, 42% क्षेत्र में स्थापित होगी फैक्ट्रिया। कुशीनगर में सेल्फी के चक्कर में जीजा की ट्रेन से कटकर मौत, बाल बाल बची साली। गोरखपुर में ऑनलाइन गहने मंगाकर असली निकालते फिर नकली डालकर देते थे वापस, दो गिरफ्तार। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने कहा, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में गरीब न हो प्रताड़ित, माफियाओं का हो स्वरूप नाश। लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रदेश की 61 नदियों का मनरेगा से होगा पुनरुद्वार, बुंदेलखंड की 20 नदियां भी योजना में शामिल। लखनऊ में सीएम योगी के सख्त निर्देश, अवैध पार्किंग व अतिक्रमण हटाने के लिए माह भर चले अभियान। सौ की हुई शिनाख्त, बेटे ने लगाया हत्या का आरोप। गघा, बृहस्पतिवार को गघा क्षेत्र गंभीरपुर कोठा मार्ग पर कोठा नहर के पास खेत में मिली व्यक्ति की सौ की शिनाख्त ग्राम कोठा निवासी बमनाथ दुबे 62 वर्ष पुत्र स्वर्गीय शिव जतन दुबे के रूप में हुई है। शुक्रवार को मृतक के सबसे छोटे बेटे ने गोरखपुर शहर स्थित मोर्चरी में पहुंचकर शव का शिनाख्त किया। बताया कि मंगलवार रात को पिता घर से बाहर निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे थे। एसएचओ संजय सिंह का कहना है कि बेटे ने मृतक पिता की शिनाख्त कर ली है, शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी जिसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई है। जनहित युवा शक्ति के तत्वाधान में भीषण गर्मी में आम जनमानस की प्यास को बुझाने के लिए किया गया निःशुल्क प्याऊ व्यवस्था, गोलाक गोरखपुर। जनहित चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संचालित जनहित युवा शक्ति के तत्वाधान भीषण गर्मी को लेकर बर्फ खाना चौराहे पर राहगीरों की प्यास को बुझाने के लिए किया गया निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन अध्यक्ष निखिल कुमार गुप्ता के द्वारा राहगीरों को पानी पिलाकर किया गया। आयोजन शुभारंभ के बाद लगभग सैकड़ों राहगीरों ने निःशुल्क प्याऊ के प्यास पहुंचकर अपने प्यास को बुझाया और इस पुनीत कार्य के लिए श्री गुप्ता व सदस्यगणों लोगों ने भरी भूरी प्रशंसा किया और लोगों ने कहा कि इस भीषण गर्मी में प्याऊ की व्यवस्था करना समाज सेवी श्री गुप्ता ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनमोल अग्रहरी समाज सेवी मंडल युवा मोर्चा शिवम त्रिपाठी, रंजीत कुमार, आशु वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। छात्राओं को आत्म सुरक्षा के लिए किया गया जागरूक, गोला गोरखपुर। उपनगर गोला स्थित उमाशंकर तिवारी स्मारक कन्या इंटर कॉलेज मन्नीपुर में शासन के निर्देश अनुसार मिशन शक्ति के तहत पुलिस प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा कार्यक्रम में पुलिस पाठशाला का आयोजन किया गया जिसमें छात्राओं को आत्म सुरक्षा के गुण बताते हुए शिक्षा आदि पर विस्तार से जागरूक किया गया। महिला सुरक्षा दल की टीम के एसआई रंजीत तिवारी, एसआई शैलेश सिंह यादव ने महिला सुरक्षा पर छात्राओं को विस्तार से जागरूक करते हुए बताया कि आप लोग किसी भी कठिन परिस्थितियों में हो तो सबसे पहले पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर तत्काल बात करें, पुलिस आपके पास तत्काल पहुंचकर आपका सहयोग करेगी, घबराएं नहीं, आत्मसंयम को बनाए रखें। गोरखपुर जाने के लिए साधन का इंतजार कर रहे दो युवकों को ट्रक ने रौंदा, गघा गोरखपुर। गघा थाना के अंतर्गत गढ़ई निवासी दुर्गेश गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता और राजकुमार गुप्ता पुत्र जय हिंद गुप्ता NH-29 पर गघा अंडरपास के उत्तर तरफ गोरखपुर जाने के लिए साधन का इंतजार कर रहे थे। उसी समय बहलगंज के तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गए जिससे दुर्गेश गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक के नीचे आने से दुर्गेश गुप्ता का बायां पैर धड़ से अलग हो गया और राजकुमार गुप्ता को मामूली चोट आई। ग्रामवासी आनन फानन में सीएससी गगहा लेकर गए और गगहा पुलिस को खबर की
मौके पर पहुंची पुलिस का ट्रक को कब्जे में ले लिया। सीएससी प्रभारी डॉक्टर बीके बर्नवाल का कहना है कि दुर्गेश गुप्ता की हालत नाजुक बनी हुई है और राजकुमार गुप्ता को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। महाविद्यालय भटवली बाजार में दो दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता भटवली महिला वर्ग की विविध क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर धनंजय सिंह 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त कर किया। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता नेहा हर्षिता मिश्रा नीतू यादव ने क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में नेहा गुप्ता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में श्वेता गुप्ता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गोला प्रक्षेप प्रतियोगिता में मीनू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लंबी कूद प्रतियोगिता में मीनू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भाला प्रक्षेप प्रतियोगिता में मीनू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। समापन सत्र में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर धनंजय सिंह ने विजय प्रतिभागियों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। क्रीड़ा अधीक्षक सनोज कुमार चौहान ने कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु डॉक्टर चंदेश कुमार पांडे, डॉक्टर मोहित, डॉक्टर राकेश कुमार ओझा मौजूद रहे। सरोदय किसान इंटर कॉलेज के छात्रों ने निकाली सड़क सुरक्षा रैली। कौड़ीराम गोरखपुर। सरोदय किसान इंटर कॉलेज के शिक्षकों के नेतृत्व में विद्यालय के छात्रों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व एनसीसी कैडेटों द्वारा की गई, जिनके हाथों में सड़क सुरक्षा के प्रति स्लोगन लिखे तख्तियां थी। एनसीसी कैंडिडेट्स एवं छात्रों द्वारा इंटर कॉलेज के प्रांगण से निकली रैली को विद्यालय के प्रधानाचार्य रुद्र नारायण राव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली इंटर कॉलेज से शुरू होकर कौड़ीराम चौराहे से होते हुए फिर विद्यालय प्रांगण में आकर समाप्त हो गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रुद्र नारायण राव, कैप्टन विमलेश कुमार सिंह, सेकेंड ऑफिसर अखिलेश ध्वज सिंह, राकेश कुमार, डीएन पांडे, सत्येंद्र बहादुर राय, दिनेश कुमार तिवारी, सुनील कुमार राय आदि विद्यालय के शिक्षक व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। प्रदेश स्तर पर अधिवक्ताओं द्वारा आज हड़ताल कर पूरे दिन नाइट कार्ड से विरत रहे। ऐसे में हम आइए जानते हैं कि हड़ताल के मुख्य वजह क्या थी और किन मुद्दाओं को लेकर हड़ताल किया गया, अधिवक्ताओं में क्या खास नाराजगी देखने को मिली। द्वारा आज हड़ताल किस मुद्दे को लेकर है? अधिवक्ताओं के द्वारा आज उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर एक तो जो 14 तारीख को अधिवक्ताओं के खिलाफ जो प्रफुल्ल कुमार कमल ने संयुक्त सचिव ने दिया था, वह है कि सारे अधिवक्ताओं को अराजक सबसे संबोधन किया था इसके खिलाफ में। और आज हमारे बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने अवनीश अवस्थी के द्वारा जो अधिवक्ताओं के खिलाफ बयान दिया गया था, जिसमें 7 बिंदुओं पर अवनीश अवस्थी के बयान पर या दोनों बिंदुओं को लेकर के हमारे यूपी के बाद के चेयरमैन के द्वारा बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा आह्वान पर आज पूरा प्रदेश हड़ताल है। हमारे बार के जिले के हर पदाधिकारी और अधिवक्ता समूहों ने इनके खिलाफ में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्रक दिया गया है कि अवनीश अवस्थी को तथा संयुक्त सचिव प्रफुल्ल कुमार के द्वारा जो यह बयान दिया गया था, इन लोगों को हमारे बार के 18 तारीख को बार के अध्यक्ष के द्वारा, जनरल वाटी के द्वारा, हर जिले के अधिवक्ता समूह अध्यक्षों द्वारा निंदा तथा उनसे उनको
पद से हटाने की मांग किया गया था और उसी दिन पर आज पुनः हमारे सिविल कोर्ट के गैस के दामों में वृद्धि होने के बाद भी लोग परेशान नहीं दिख रहे हैं। बांसगांव तहसील मुख्यालय पर आज लोगों से बात करने पर पता चला कि गैस के दाम के बढ़ने के बाद भी लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। लोग स्पष्ट यही कर रहा है, जब विकास होगा तो दाम बढ़ेंगे, या तो ये कहिए कि भाजपा की जो आइडियोलॉजी है उससे लोग काफी प्रेरित है। गैस के दामों के वृद्धि से आम जनता भी काफी शांत दिख रही, न तो कहीं विरोध हुआ, न तो कहीं प्रदर्शन हुआ, न तो कभी मूल्य वृद्धि की वापस लेने की मांग हुई। आइए जानते हैं धरातल पे क्या है हकीकत। गैस के दाम में वृद्धि हो रहा है, अन्य चीज़ों के दाम में वृद्धि हो रहा है, क्या उससे लोगों की कुछ असुविधा हो रही है? नहीं नहीं कोई नहीं, जब विकास होगा तो महंगाई बढ़े रहेगी, विकास जब होगा तो महंगाई बढ़ेगी। उनसे उनको पद से हटाने की मांग किया गया था और उसी दिन पर आज पुनः हमारे सिविल कोर्ट के अध्यक्ष जी, मंत्री जी तथा पूर्व पदाधिकारी तथा अधिवक्ता समूह के द्वारा कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष और मंत्री, कमिश्नरी के अध्यक्ष और मंत्री, संयुक्त रूप से जिलाधिकारी गोरखपुर को एक पत्रक दिया गया कि इन लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई किया जाए। 14 तारीख के पत्र को प्रफुल्ल कुमार कमल ने वापस ले लिया, लेकिन जो अवनीश अवस्थी के द्वारा जो यह है अधिवक्ताओं के सम्मान के खिलाफ जो उन्होंने बयानबाजी दिया था, उसका हमारे अधिवक्ता साथियों ने घोर निंदा किया है तथा उनको पद से हटा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किया है। प्रदेश स्तर पर